देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। ये रंग भूमि, यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। आइए जानते हैं राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज के बारे में कुछ जानकारी। महाराष्ट्र देश के महान संतों की भूमि रही है, जहां मनुष्य के आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान हेतु कई पुण्यात्माओं ने जन्म लिया। इन्हीं में राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज महाराष्ट्र की महान संत परंपरा के एक प्रमुख संत रहे, जिनके मराठी और हिंदी में रचित सैकड़ों भजन आज भी उनके भक्त बड़ी आत्मीयता के साथ गाते हैं। तुकड़ोजी महाराज ने हजारों भजनों की रचना की तथा आध्यात्मिक रूप से लीन रहते हुए अपना पूरा जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित किया। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंग भूमि, यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़िया कहे कोई न और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। ऐसे कहने वाले राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज की आज जयंती हम मनाने जा रहे हैं। परम पूजनीय राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज का जन्म 30 अप्रैल 1909 को महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जनपद के यावली नामक एक दूरदराज के गांव के एक बहुत ही गरीब से परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा यावली और वरखेड़ में पूरी की। अपने प्रारंभिक जीवन में ही उनका संपर्क बहुत सारे महान संतों के साथ हो गया था। समर्थ आड़कोजी महाराज ने उनके ऊपर अपने स्नेह की वर्षा की और उन्हें योग शक्तियों से विभूषित किया। 1935 में तुकड़ोजी महाराज ने सालबरडी की पहाड़ियों पर महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें 3 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था। इस यज्ञ के बाद उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वे पूरे मध्य प्रदेश में सम्माननीय हो गए। 1937 में महात्मा गांधी द्वारा सेवाग्राम आश्रम में उन्हें निमंत्रित किया गया, जहां वह लगभग 1 महीना रहे। उसके बाद तुकड़ोजी महाराज ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों द्वारा समाज में जन जागृति का काम प्रारंभ किया, जो 1942 के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिलक्षित हुआ। राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज के ही आह्वान का परिणाम था आष्टी चिमूर स्वतंत्रता संग्राम। राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज के आंदोलन के चलते अंग्रेजों द्वारा उन्हें चंद्रपुर में गिरफ्तार कर नागपुर और फिर रायपुर के जेल में 28 अगस्त से 2 दिसंबर 1942 तक के लिए रखा गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अमरावती के पास मुजरी में गुरुकुंज आश्रम की स्थापना की। वहां उन्होंने अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि के आधार पर ग्राम गीता की रचना की, जिसमें उन्होंने वर्तमानकालिक स्थितियों का निरूपण करते हुए ग्रामीण भारत के विकास के लिए एक नया विचार प्रस्तुत किया। जैसे कि उन्होंने लिखा, मनावे ग्राम हे मंदिर, ग्रामातील जन सर्वेश्वर, सेवा हीच पूजा, हासी विचार निवेदावा। वे मानते थे कि ग्राम विकास होने से ही राष्ट्र विकास होगा। उनकी विचारधारा का केंद्र बिंदु ग्रामोन्नति एवं ग्राम कल्याण ही था। इसी कारण उन्होंने ग्राम विकास के विविध समस्याओं के मूलभूत स्वरूप का विचार प्रस्तुत किया और उसे कैसे सुलझाए, इस विषय पर उन्होंने उपाय और योजनाएं भी बताई। तुकड़ोजी महाराज खंजरी नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र बेहद अद्भुत कौशल के साथ बजाते थे। प्रारंभिक जीवन में ही इनका संपर्क बहुत से संतों के साथ हुआ, जिनमें प्रमुख संत आड़कोजी महाराज थे, जिन्होंने तुकड़ोजी महाराज को तुकड़ोजी महाराज ऐसे नाम दिया। 15 नवंबर 1921 को अपने गुरु के ब्रह्मलीन होने के पश्चात तुकड़ोजी महाराज जंगल में तपश्चर्या के लिए चले गए। संत तुकड़ोजी महाराज ने महाराष्ट्र नहीं बल्कि संपूर्ण देश में भ्रमण कर आध्यात्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकात्मता का उपदेश दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने 1955 में जापान जैसे देश में जाकर सबको विश्व बंधुत्व का संदेश भी दिया। 1956 में उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला संत संगठन बनाया। अंतिम समय तक अपने प्रभावी खंजरी भजन के माध्यम से उन्होंने अपनी विचार प्रणाली का प्रचार तथा आध्यात्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय प्रबोधन किया। उनके संगठन के सेवक आज भी सक्रिय है।